नहीं, अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा, तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मैं डरता नहीं हूं किसी से, मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का काम मैंने दिलेरी के साथ किया और दिलेरी के साथ स्टार्ट करता हूं और दिलेरी के साथ करूंगा। मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो, कि मेरी धरती पर मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहते ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, थोड़े दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो मीटिंग होने वाली थी उस मीटिंग को मसीह विरोधी ने कैंसिल करवा दिया था, लेकिन खुशखबरी अब ये निकल के आ रही है कि पास्टर गुजिंदर जी के द्वारा फिर से अब ये मीटिंग होगी और ये मीटिंग 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ में होने के लिए जा रही है। और आप इस पैम्पलेट पे आप देख सकते हैं और आप इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कि किस जगह पर जाना है, और किसी बात की डाउट हो तो आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं, सभी आपको जानकारी मिल जाएगी। और उस मीटिंग में जाएं और प्रभु के आशीष को लें, और इस मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करें कि ये मीटिंग अच्छे से हो पाए और प्रभु का काम उस जगह पर हो। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को वहां ब्लेस करे जो उस मीटिंग में आए, और प्रभु उन सभी को आशीषित करे। पास्टर बजिंदर जी के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वहां पर उनके द्वारा चमत्कार हो और लोग विश्वास में आए। छत्तीसगढ़ के लिए भी आप प्रार्थना करते रहे ताकि छत्तीसगढ़ भी बचा लिया जाए।